महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई में सबसे बड़ी जो है समस्या वो ट्रैफिक की है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जाम होती है और सबसे बड़ी जो मुसीबत ट्रैफिक की होती है वो दोपहर के वक्त में होती है, क्योंकि उस समय जो स्कूल के बस हैं वो काफी संख्या में बच्चों को छोड़ने के लिए और बच्चों को लाने के लिए निकलती है। लेकिन इसी ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए जो है आज मुंबई प्रभाग समिति ने जो है समिति में एनसीपी के शमीम खान, जो कलवा मुंबई विधानसभा के अध्यक्ष हैं और परिवहन समिति के सदस्य भी हैं, इन्होंने एक मीटिंग जो है रखी थी। इसमें ट्रैफिक विभाग से लेकर मुंबई पुलिस स्टेशन के अधिकारी और साथ ही जो मुंबई शहर के जिम्मेदार लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ और थाने मनपा के अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में दरअसल ट्रैफिक किस तरह से कंट्रोल किया जाए मुंबई शहर में, एक बात और आपको बता दें कि जो स्कूल है उन स्कूल के जो है जानकार स्कूल के लोगों को भी बुलाया गया था, जो बसें चलती हैं कि आखिर किस तरह से बसें जो है वो चलाई जाए ताकि ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। और शमीम खान हमारे साथ मौजूद है कि आज जो मीटिंग हुई उसमें कमेटी गठित करने की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन किस तरह से आज मीटिंग में ट्रैफिक कंट्रोल करने को लेकर जो चर्चा हुई है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। शमीम भाई, आज मुंबई प्रभाग समिति में जो तमाम अधिकारी थे, मनपा के, पुलिस विभाग के और शहर के भी कुछ जिम्मेदार थे, स्कूल के लोगों को आपने बुलाया था, तो इस मीटिंग का हल क्या निकल कर आया है? मैं सबसे पहले तो प्रहार टाइम्स का इस्लामुद्दीन भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी शहर में कोई भी ऐसा इश्यूज होता है जो आला अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए, आवाम तक पहुंचना चाहिए, प्रहार टाइम्स हमेशा शहर के साथ रह करके और हम लोगों के बातों को पहुंचाता है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सर सवाल किया कि क्या सब्जेक्ट था आज की मीटिंग का, तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार आज मुंबई प्रभाग समिति में मैं एक टीएमटी का मेंबर हूं, उस नाते मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था, मैं जिस शहर में रहता हूं अगर उस शहर में ट्रैफिक की समस्या होती है तो मेरा ये फर्ज बनता है, इलाके फरीजा बनता है कि मैं उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँ। उसमें बात हो रही थी कि जो स्कूल की बसें हैं, एक स्कूल के पास किसी के पास 6 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, तो इसमें काफी बड़ी बसें भी हैं, तो ऐसा बात हो रही थी कि इसमें छोटी बसें चलाई जाए और वार्डन की मांग की जा रही थी। जिन स्कूलों ने बड़ी बसें खरीद लिया है या छोटी बस खरीद लिया है उनको अगर हम ये कहें कि आप अपनी स्कूल की बसें चेंज कर दो तो ये बात नाजायज हो जाएगी। हमने उनको ये विनंती किया कि अगर आपके यहाँ पे 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, 2,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी खुशी से आप वार्डन तय कर दो। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम स्कूल के प्रिंसिपल जो आए थे उन्होंने अपने अपने वार्डन को तय कर दिया कि हम इतने इतने वार्डन देंगे। इंशाल्लाह ताला ये बात भी अमल में आ चुकी है। शमीम भाई, इसके अलावा जो गाड़ियां रोड पे भंगार पड़ी हुई हैं उसको हटाने को लेकर भी बात हुई है और रोड काफी चौड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रोड काफी टेढ़ा मेढ़ा भी है, इस वजह से भी ट्रैफिक हो रही है। मुंबई में आप जानते हो कि सिर्फ मैं मतलब यानी इसमें ईस्ट वेस्ट का मामला नहीं है सर, एक तरफ खाड़ी एक तरफ मुंबई है सर, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है समथिंग भाई, और रोड बन चुके हैं, गटर नाले सही हो गए हैं, पानी की फैसिलिटीज है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने कर दिया। यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया, स्टेडियम आ गया, दौरान अच्छा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी की तरफ चल रहा है शहर, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है। बहुत जल्द ट्रैफिक हल करने के लिए ट्रैफिक विभाग ने क्या कहा है? ऐसा सवाल उठता है कि जो है ट्रैफिक के कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं। नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मौजूद नहीं रहते ट्रैफिक के कर्मचारी। बता देते हैं 4-5 मुद्दे थे जो बहुत बताना जरूरी है प्रहार टाइम्स के माध्यम से। तो सर आपने कहा कि जो भंगार गाड़ियां पड़ी रहती है, अच्छा सवाल किया आपने, हमने बात रखी थी मीटिंग में, उसके लिए गोसावी साहब ने कहा है कि हम जगह देते हैं जहां पे ला करके भंगार गाड़ियों को डंप किया जाए। ये दिलीपाली साहब ने कहा कि हमारे पास उसके लिए जो मशीनरी लगती है उसको उठा के लाके डंप करने के लिए, चाहे वो अपना ये जो गाड़ियां आती हैं उसको डंप करने के हिसाब से उठा करके ले जाने के लिए, तो उसके उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जो टोचिंग करके लेके जाती है, चाहे वो
तो मैंने उनको कहा कि सर उसका अरेंज कराइए, उसका जो खर्चा होगा मैं पे करूंगा, मैंने उनसे कहा। और मुमरा शहर के जितने भी बिल्डर्स हैं, मेरे जितने साथी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग शहर के लिए 10 वार्डन देंगे। मिनिस्टर साहब ने हमसे कहा था कि आप बिल्डरों से बात करो और उनसे कहो कि कम से कम हर बिल्डर अगर 2-2 वार्डन देगा, 10 वार्डन हो जाता शहर के लिए। 10 वार्डन मुमरा शहर की बिल्डर भी देंगे, मैं उसके लिए मुमरा शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिल्डर का, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। और इस तरीके से ये भी एक पर्याय इसमें निकला है सर। और इस तरीके से जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उसे देखते हुए बहुत सारे हमारे समाज एक्स नगर से वक्त नगर से भी गाय भी, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अपनी तरफ से सभी बिल्डर मिलकर 10 ट्रैफिक वार्डन देंगे और स्कूलों की तरफ से एक एक या दो दो वार्डन जो है रहेंगे। लेकिन जो है ट्रैफिक विभाग जो है मुमरा का, तो आप लोग इनसे ट्रैफिक विभाग से क्यों नहीं मांग करते कि मुमरा शहर में ट्रैफिक के कर्मचारी जो है वो शासन प्रशासन के लोग तैनात रहें। चलिए आज आप लोग बिल्डर लोग मिलकर कर दे रहे हैं, कितने साल रहेंगे, 1 साल 2 साल वो वार्डन रहेंगे, उसके बाद फिर वही समस्या रहेगी। अगर सरकार के जो संस्था है, जो ट्रैफिक विभाग है, यहाँ के लोग अगर यहाँ पर ड्यूटी पे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाता है तो हमेशा रहेगा। आपकी बात सत्य है, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, गुड सजेशन है आपका, लेकिन सर अभी उनके पास वो सहूलियत नहीं है। आज दिलीप पाटिल साहब से हमने ये बात भी रखी कि दिलीप पाटिल साहब देखिए बहुत मेहनत करते हैं, अशोक कड़लक साहब बहुत मेहनत करते हैं, गोसावी साहब मेहनत करते हैं, सागर साहब मेहनत करते हैं, हमारे डाइगर के शेख साहब जो दिवा के हैं वो भी मेहनत करते हैं, हर अधिकारी अपनी मेहनत करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। कोशिश करेंगे, हम मुलाकात करेंगे जो DCP साहब हैं ट्रैफिक के, उनसे बात किया जाएगा कि सर आप कर्मचारी अधिकारियों को बढ़ाइए थोड़ा यहाँ पे, जिससे जो है ये सहूलियत हो सके, जिससे हमारा शहर में ट्रैफिक, देखिए सामुद्दीन भाई आज मैंने एक बात कहा था जो मुझे याद है, देखिए जब नूरबाग हॉल, जो हमारे दोस्त मंसूर डोंगरे साहब हैं उनका हॉल है, जब कोई शादियां होती है ना साहब तो पूरा रोड जाम हो जाता है। क्या होता है मालूम है कि दूल्हे को रोड से उतर करके वहां तक पहुंचना पड़ता है, उसका रीजन क्या होता है, वो जो सर्कल है वहां बहुत ट्रैफिक हो जाती है कहीं ना कहीं, तो जब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो जब वहां पे वार्डन खड़े हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, हॉल को चलना है, रोड को चलना है, रोड की ट्रैफिक को आना जाना है। लेकिन कैसा है कि वार्डन लगाना, जैसे कि एक ये तालाब वाली का हो गया, जिससे यहाँ मंसूर भाई का एक हॉल है वहां प्रॉब्लम्स ना हो, उधर अगर आप कहूँ चांद नगर में तो उधर भी कौन सा एक हॉल है, सानिया हॉल है, वहां पे दिक्कत पैदा ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। देखिए शादी ब्याह तो हो जाएगी, दूल्हा उतर करके पैदल भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट एम्बुलेंस से थाना जाना हो तो वो नहीं जा सकता, उसको ये एहसास होगा कि रास्ते में मेरी मौत ना हो जाए ट्रैफिक को देखते हुए, तो अल्लाह ताला उसको मतलब जो भी कोई ऐसा आदमी कभी हालात में फंसता है तो उसके लिए अल्लाह खैर करे, मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ। शमीम भाई, इस तरह के ट्रैफिक हल करने के लिए कई बार मीटिंग हो चुका है लेकिन कोई मतलब उसका निकला नहीं है, लेकिन आज फिर जो मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है, जो 10 वार्डन और बस जो स्कूल के बस उनके वार्डन मिलने की बात हो रही है, तो ये जो वार्डन शहर में कब से तैनात हो जाएंगे? कभी कमिटी गठित नहीं की गई, आज तक जो मीटिंग हुई मैं किसी मीटिंग को फ्लॉप नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आज की मीटिंग का रिजल्ट आपको दिखेगा इंशाल्लाह। इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों ने लिया है, तमाम पत्रकार भाई भी मौजूद थे, आप लोग भी मौजूद थे, शहर के हमारे एक्स नगर चौक मौजूद थे, सब लोग जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला शहर में रिजल्ट दिखेगा और ये मीटिंग रंग लाएगी इंशाल्लाह ताला, ये मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या को लेकर आज मुमरा प्रभाग समिति में मीटिंग हुई थी, बहरहाल शमीम खान का कहना है कि इसका रिजल्ट भी जल्द ही देखने को मिलेगा, साथ ही जो भंगार गाड़ियां रोड पर पड़ी हुई हैं उसे हटाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक विभाग को, वो शमीम खान की तरफ से उन्हें मदद किया जाएगा, और साथ ही जो बिल्डर हैं उनके तरफ से पूरे शहर में तैनात करने के लिए 10 वार्डन की जो है नियुक्ति की जाएगी, साथ ही स्कूल बस जो चलती हैं हर स्कूलों के तरफ से जो है एक एक दो दो वार्डन जो है स्कूल के तरफ से दिया जाएगा। मगर देखने वाली बात है कि किस तरह से अब आने वाले दिनों में मुमरा में ट्रैफिक हल किया जाता है।